నావిడే సందర్భంగా విన్యాసాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन आईएनएस कंडेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है. कंडेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार. ऊपर आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए. इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज सबमरीन को इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप. इन अ हॉस्टाइल एनवायरमेंट आवर शिप्स आर कंटिन्यूअसली अंडर थ्रेट फ्रॉम एडवर्सरीज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सी अंडर द सी एज वेल एज फ्रॉम द एयर. इट इज क्रिटिकल टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई दीज थ्रेट्स एज अर्ली एज पॉसिबल. एज पार्ट ऑफ दिस एफर्ट the air early warning helicopter Kamov 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side you can see Kamov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership INS Tabar on completion of its AEW mission. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब आईएनएस तबर को आप देख सकते हैं जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह. बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोव 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है. समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है. इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है. इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 31 अग्रणी भूमिका निभाता है. इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है. कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप आईएनएस तबर पर वापस आ रहा है. अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं. इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन. Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to the left. The Indian Navy clearance divers led by Lieutenant Abhideep Lamba are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे. आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है. नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है. उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं. रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है. इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं. इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अभदीप लांबा. The clearance divers of the Indian Navy in their combat role undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up their explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है. अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं. एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी. तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी. So ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए
एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. Devi aur sajano, hum shanti ke pujari bhi hain aur yuddh ke vijeta bhi. Hato va prapasi swargam, jitva va bhoksh se mahim, tasmat uttishth kaunteya yuddhay krit nishchaya. Avashyakta hone par nishchay purvak yuddh karne ki seekh hame swayam bhagwan shri krishna ne geeta ke is shlok mein diya hai. इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ यू विल विटनेस अ क्विक एक्सट्रैक्शन दैट इज टू पिक अप ओन ट्रूप्स बाय सीकिंग 42 चार्ली हेलीकॉप्टर। स्पीड, सरप्राइज एंड स्टेल्थ आर द कोर रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस इन एनी स्पेशल ऑपरेशन। वेरी सून यू विल विटनेस द मार्कोस बीइंग एक्सट्रैक्टेड। देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्टाई ऑप्स है जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट सीकिंग 42 चार्ली को मंच के ठीक सामने देख सकते हैं। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले जिन कमांडोज ने दुश्मन की चौकी को नष्ट किया था, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं। इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए। STI is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. STI rope is samay rubber ki nauka par pakad li gayi hai. Isme commandos apne strap ko phasa rahe hain. एक बार वो तैयार हो जाएं, तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडोज हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राण पणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रु सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया। नेव्हल एव्हिएशन फॉर्म्स अ की पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशन्स टू सपोर्ट द फ्लीट इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, today you will catch a glimpse of the might of the naval air arm wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. The aircraft will approach the display area from your left side. Ladies and gentlemen, as we can see from the left side are the Chetak helicopter. The Angels, the Chetak helicopter, is a single-engine light utility helicopter manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited at Bengaluru. Chetaks are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling, and to transport passenger or equipment. The aircraft are based at almost all air bases of the Indian Navy. They can cruise at speeds of 185 kilometers per hour and can sustain up to 3 hours in air without refueling. Ladies and gentlemen, leading the flypast for the day are the Angels Chetak helicopter.
It has been flown by Commander Srijit Gopal.